हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेडमी K30 के बारे में, जिसके बारे में अहम जानकारी सामने आई है। इससे अभी पर्दा उठना बाकी है, मगर कुछ जानकारी इसकी लीक हो चुकी है, जिसे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपको याद दिला दूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। गाइज, रेडमी K20 सीरीज़ को लॉन्च हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए और शाओमी के सब ब्रांड रेडमी के जनरल मैनेजर लू विबिंग ने रविवार को इस बात का खुलासा किया है कि आने वाले रेडमी के थर्टी स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आएगा। लू विबिंग ने रेडमी K30 के संबंधित अन्य कोई जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन रेडमी K30 के दो वेरियंट उतारे जा सकते हैं, एक 4G का और दूसरा 5G सपोर्ट के साथ। गाइज, आपको बता दूं कि चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीवो पर एक पोस्ट के जरिए लू विबिंग ने इस बात की जानकारी दी थी कि K30 को लॉन्च किया जाएगा, वो भी 4G और 5G सपोर्ट के साथ। गाइज, आपको बता दूं कि ये मोबाइल उनके लिए बेस्ट मोबाइल रहेगा जिनको गेम खेलने का ज़्यादा ही कुछ शौक है, यानी जो लोग गेमर्स हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको 10 GB तक की रैम मिल सकती है और 4500 mAh तक की फुल बैटरी लाइफ भी मिल सकती है। और इसकी कीमत भी अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है, मगर एक अनुमान के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इसका कीमत का अनुमान है कि 35,000 के लगभग, यानी भारतीय करेंसी इतनी हो सकती है। चलिए गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट गैजेट्स की न्यूज़ हम आपके पास सबसे पहले पहुँचा सकें।